कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जहां पर देवों के देव महादेव का निवास स्थल है। ये एक ऐसा पर्वत जिसको एक पर्वत ही नहीं धर्म का प्रतीक माना जाता है। भारत में ऐसा बहुत जगह है जहां पर भगवान शिव का चमत्कार माना जाता है, लेकिन कैलाश पर्वत खुद में ही एक चमत्कार है। नमस्कार, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जय हिंद। सुस्वागत है मेरी चैनल की एक और नया वीडियो पे, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के बारे में और जानेंगे क्यों ये पर्वत एक अजय पर्वत है। अजय पर्वत मतलब जिसको आज तक कोई फतेह कर नहीं पाए। और जानेंगे आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 2023 के कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वंस अगेन, मैं हूँ रौनक, एन इंजीनियर एंड ट्रेवलर। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद रौनक, जहाँ पे हम बात करते हैं इंडियन रिलीजियस प्लेसेस के हिस्ट्री के बारे में और इसकी ट्रेवल के बारे में। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कैलाश पर्वत जिसको आज तक कोई फतेह कर नहीं पाए, ये पर्वत स्थित है चाइना के तिब्बत पे। इस पर्वत को धरती का सेंटर भी माना जाता है। ये पर्वत 6638 मीटर ऊंचा है और माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है। पर माउंट एवरेस्ट पे आज तक सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं, पर कैलाश पर्वत में चढ़ने वाले किसी इंसान का नाम नहीं मिलेगा। कहते हैं इस पर्वत पे एक सिद्ध और सच्चा इंसान ही चढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पर्वत का काफी महत्व है। इसी कारण से ये पर्वत को अजय पर्वत भी कहा जाता है। आप बात करते हैं आप कैसे जा सकते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे। इसके पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन एलिजिबल है इस यात्रा पे जाने के लिए। तो पहला, आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। सेकंड, आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना जरूरी है। थर्ड, आपका एज 18 से 70 इयर्स के बीच होनी चाहिए। चौथा, आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बात की चेकिंग होती है। और एक बात बोल देता हूँ, कोई फॉरेनर इस ट्रिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ये यात्रा इजी नहीं होती, मिनिमम 25 डेज का ट्रिप होती है। अगर आप सही में इस यात्रा कर पाए तो ये यात्रा आपके जिंदगी में एक अचीवमेंट होगा। कैलाश पर्वत के रास्ते में एक मीठे पानी का लेक पाया जाता है, जिसको मानसरोवर भी कहा जाता है। इतने हाइट पे एक मीठे पानी का लेक सच में एक अलग चमत्कार है। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले एपिसोड पे पूरी रूट के साथ इस डिटेल वीडियो डाल दूंगा। अगर आपको एस्मा, डायबिटिक्स, हार्ट डिजीज है तो आप इस यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। मैं एलिजिबिलिटी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। एक्चुअली दो रूट से ये यात्रा होती है, एक लिपू लेक से जो उत्तराखंड में स्थित है और एक नाथुला से जो सिक्किम पे स्थित है। मैं फीस स्ट्रक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका कितना एक्सपेंसेस होगा इस यात्रा के लिए। आप पर पर्सन 1.5 लाख से 2 लाख पकड़ के चल सकते हैं। अभी भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के डेट फिक्स नहीं हुए, आप इस वाली वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डाल देता हूँ। आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही जल्दी मैं एक ट्रैवल सीरीज लेकर आ रहा हूँ, तो उसके लिए चैनल पे बने रहे। सो हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी पूजा एवरीवन। तो वेरी गुड बाय।